इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले साइटोप्लाज्म की आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए कि क्या है। तो साइटोप्लाज्म इज एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ये सबसे आउटर कवर है किसी भी सेल का, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो, और ये न्यूक्लियस है जो कि सेल की इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन रैप कर रही होती है उसे आप कहते हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वाइल सेल को जो मेम्ब्रेन रैप कर रही होती है आपको पता है आप उसे कहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो साइट होती है, जो जगह होती है, उसे आप कहते हो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सो एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब अगर हम इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जो सारा पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म का है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान है। साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जितना भी एरिया आपको सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान नजर आ रहा है उसे आपने बोला है कि ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। अब उस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इम्बेड हुए होते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं और ये सेल इंक्लूजंस भी हो सकती हैं। सेल ऑर्गेनाइज जितने भी आगे हमने पढ़ने हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, जितनी भी चीजें आगे आप पढ़ोगे वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनाइज हैं, और ये सेल ऑर्गेनाइज साइटोप्लाज्म के अंदर इम्बेड हुए होती हैं। इंक्लूजंस जो के साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं वो टू टाइप्स की हो सकती हैं। वो इंक्लूजंस कोई भी स्टोर्ड फूड हो सकती है या फिर वो इंक्लूजन कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, और इन इंक्लूजंस को साइटोप्लाज्म के अंदर क्यों रखा जाता है, फूड को क्यों स्टोर किया जाता है, बिकॉज समटाइम्स जो फूड आप इंटेक करते हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है और आप उसे एक्टिविटीज़ में कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ऐसी फूड जो कि आपकी एक्टिविटी से ज़्यादा होती है वो आपके सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, और स्टोर वो कहाँ पे होती है, सेल इंक्लूजंस की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर वो स्टोर हो जाएगी। सेकेंड चीज़ जो कि सेल इंक्लूजंस की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में स्टोर होती है वो है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन वेस्ट हो सकता है, फूड का वेस्ट हो सकता है, वाटर का वेस्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेल से बाहर रिमूव की जाती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में टेम्पोरेली स्टोर करवाई जाती है। ठीक है, तो टेम्पोरेली स्टोरेज की वजह से भी आप इसको काउंट कर रहे हैं सेल इंक्लूजंस के अंदर। तो सेल इंक्लूजंस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में, वो कोई भी फूड पार्टिकल है जिसे आपने फ्यूचर में यूज़ करना है अपनी एनर्जी के लिए, या फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे आप बॉडी से बाहर रिमूव करवाना चाहती हैं। एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जितने भी आगे हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
साइटोप्लाज्म की अगर हम टेक्सचर की बात करें तो ये जेली लाइक मटेरियल होता है, जिस तरह से आप घरों में पुडिंग खाते हैं और आपकी मदर जो है उस पुडिंग के ऊपर गार्निशिंग करती हैं डिफरेंट फ्रूट्स की, तो वो जो पुडिंग की बेस होती है वो आपका साइटोप्लाज्म है, और जो गार्निशिंग हुई होती है डिफरेंट फ्रूट्स की वो बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के लिए जो जगह प्रोवाइड की जाती है, जो साइट प्रोवाइड की जाती है, वो साइटोप्लाज्म कर रहा होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, सेल इंक्लूजंस का मैंने आपको बता दिया। अभी हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा होता है। सेकेंड, अगर हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का फंक्शन देखें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सबसे पहले तो एक ऑब्वियस ही बात जो हमने पहले भी डिस्कस की थी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए कि ये साइट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजंस के लिए। सेकंड जो फंक्शन जो कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हमारी सेल के अंदर कर रहा होता है वो ये है कि ये ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजंस के अलावा जितने रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होने होते हैं उनके लिए भी साइट प्रोवाइड करता है। सो साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मैंने यहाँ पे मेटाबॉलिक वर्ड लिखा है, मेटाबॉलिक इज फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मींस के जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें कलेक्टिवली आप कहते हो कि ये मेटाबॉलिज्म है। अब ये जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, कि ये किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है रिएक्शंस में सिंथेसिस भी हो सकती है और ब्रेकडाउन भी हो सकती है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल था ये ब्रेकडाउन होके दो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो कि ये कैटाबॉलिज्म है। वाइल अगर किसी भी रिएक्शन में सिंथेसिस हो रही होती है, सिंथेसिस मींस के दो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, तो इसे आप कहते हो ये एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म जिसमें ब्रेकडाउन हो रही होती है, एनाबॉलिज्म जिसमें सिंथेसिस हो रही है, इन दोनों को कलेक्टिवली आप कहते हो कि ये मेटाबॉलिज्म है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो साइटोप्लाज्म में जितने भी रिएक्शंस होंगे उनके लिए साइट प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाया जाता है, तो रिएक्शन के लिए जितनी भी जगह प्रोवाइड की जानी है या रिएक्शन के लिए जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी सेल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दो मेजर रोल प्ले कर रहा है, ये जगह प्रोवाइड कर रहा है जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर होते हैं उनके लिए, मैंने आपको पहले पुडिंग की एग्जाम्पल दी थी आप उसी से रिलेट कर सकते हैं, और इंक्लूजंस के लिए, इसके अलावा जितने रिएक्शंस होने हैं उनके लिए भी ये साइट प्रोवाइड करता है, और जो रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम्स आपका पहले नॉलेज होगा, अदरवाइज हमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में आगे, कि एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं, उसे जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि अगर एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसे हमने ब्रेक डाउन करवाना है, या एक जो आप लोगों ने खाना खाया है एक प्लेट आपने राइस खाया है उसको ब्रेक डाउन करवाना है, तो इंजाइम्स क्या करते हैं कि उसे 1 आवर में या 2 आवर्स में डाइजेस्ट करवा देते हैं। अगर ये इंजाइम्स नहीं होंगे तो जो आप लोगों ने एक बाइट खाई होती है खाने की उसको डाइजेस्ट करने के लिए पूरा एक दिन लग जाता है, तो जब वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके ATPs नहीं बनेंगे, ATPs नहीं बनेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो इट मीन्स कि आप अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। तो जितने भी रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको
स्पीड अप करवाने के लिए जो इंजाइम्स होती हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े होती हैं। और यहाँ पे इंजाइम्स स्पेसिफिकली वो इंजाइम्स हैं जो कि उन रिएक्शंस में हेल्प आउट करेंगे जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसमें से एक एग्जांपल हमने अभी ग्लाइकोलाइसिस की ली है, ठीक है। ओके, अब हमने देखना है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर के बाद लास्ट पार्ट जो कि हमने साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्कस करना है वो है साइटोसोल। एंड साइटोसोल की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो आप सिंपल सी वर्डिंग में ले सकते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और ये जो साइटोसोल है इसमें अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर प्रेजेंट होता है। अगर हम साइटोसोल को एक फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हो साइटोसोल इज इक्वल टू माइनस सेल ऑर्गेनेल्स माइनस सेल इंक्लूजंस एंड थर्ड चीज जो कि आप लोगों ने माइनस करनी है वो है न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साइटोप्लाज्म में से ये तीनों चीजें आप लोगों ने माइनस कर देनी है, ठीक है। किस में से माइनस की है आपने? साइटोप्लाज्म में से। साइटोप्लाज्म को आप लोगों ने बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो प्लेस है उसे हमने साइटोप्लाज्म बोला। लेकिन इस साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो आगे हमने पढ़ने हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड थे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी इंक्लूड थे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि उसके अंदर सेल इंक्लूजंस भी हैं, सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म में से हम सेल ऑर्गेनेल्स को भी निकाल दें, सेल इंक्लूजंस को भी निकाल दें, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पहले ही नहीं होता, तो अगर इन सारी चीज़ों को हम निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग चीज़ हमारे पास आती है उसे आप कहते हो ये साइटोसोल है। इट मीन्स के जो साइटोसोल है जितना भी एक्वस पार्ट है साइटोप्लाज्म का उसे आप कह रहे हो। तो उस एक्वस पार्ट के अंदर दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं बिकॉज वो वाटरी फ्लूइड है, फ्लूइड की फॉर्म में है। तो इस फ्लूइड की फॉर्म में दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन है एंड सेकेंड को हम कहते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? ट्रू सॉल्यूशन कोई भी ऐसा सॉल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 100 ml वाटर ली और उसके अंदर 5 ग्राम्स हमने शुगर डिसॉल्व की तो इजीली उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है। वाइल अगर हम वाटर ले लें और उसके अंदर हम सैंड को डिसॉल्व करना चाहें तो सैंड उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल आपको नजर नहीं आता है और सॉल्यूट उसके अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है उसे आप कहते हो ये ट्रू सॉल्यूशन है। वाइल ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होता और उसके अंदर आपको सॉल्यूट की सस्पेंशन नजर आ रही होती है उसे आप कहते हो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन का पोर्शन होता है इसे हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो पोर्शंस में, सोल एंड जेल। सोल किसी भी सेल का इनर पोर्शन होता है वाइल जेल किसी भी सेल का आउटर पोर्शन है, ठीक है। लाइक अगर हम इस सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें हाफ में तो जो आउटर पोर्शन होगा वो जेल का पोर्शन है और जो इनर पोर्शन होगा वो सोल का पोर्शन है। अब ये जो सोल है जिसे हमने इनर पोर्शन बोला है इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है, सो आप बोलेंगे कि ये नॉन विस्कस है।
वाइल जो जेल का पोर्शन है सेल का, जो आउटर पोर्शन होता है जो पेरिफेरल रीजन्स में है, जो आउटर रीजन्स में है वो विस्कस पोर्शन होता है. विस्कस पोर्शन है इट मींस कि वो एक थिक सॉल्यूशन है और जब उसकी लेयर्स मूव करती हैं तो उसके दरमियान आपको फ्रिक्शन फील होती है. ठीक है, तो ये एक विस्कस पोर्शन होता है. वाइल जो सोल का पोर्शन है वो नॉन विस्कस है. सोल इनर पोर्शन होता है और जेल का जो पोर्शन है वो आउटर है. ट्रू सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको कोई भी सस्पेंशन नजर नहीं आ रही होती है वो कोई भी स्मॉलर साइज का मॉलिक्यूल हो सकता है. लाइक आपने कोई शुगर का मॉलिक्यूल डिसोल्व किया है या फिर कोई स्मॉलर अमीनो एसिड्स को डिसोल्व किया है तो ये कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर और कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आते हैं. वाइल्ड कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सस्पेंशन नज़र आ रही होती है. वो क्यों आती हैं? उसके अंदर कोई भी लिपिड का ड्रॉपलेट हो सकता है जो कि लिपिड्स बिकॉज हाइड्रोफोबिक होते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो के सस्पेंडेड रहते हैं सॉल्युबल नहीं होते हैं वो कोलाइडर सॉल्यूशन देंगे और जो सॉल्युबल हो जाते हैं उसे आप कहते हो ये ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं. ओके, सो इस पोर्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं और ये मूवमेंट्स कितनी टाइप्स की होती हैं. ठीक है, तो उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि टू टाइप्स की हैं. वो मूवमेंट जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही होती है उसे हम कहते हैं कि ये साइक्लोसिस है या फिर साइक्लोसिस के अलावा इसमें हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं. ये साइक्लोसिस जिसे आप साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह रहे हो ये टू टाइप्स की है. रोटेशनल एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर. रोटेशनल एंड सर्कुलर मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ये कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये उसके अंदर इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइज इम्पैक्ट हो रहे हैं. अगर तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट इस तरह की है तो अगर साइटोप्लाज्म जस्ट सिंगल मूवमेंट शो कर रहा है वो इस तरह से है कि यूनिडायरेक्शनल है. कभी ऐसा नहीं होता कि वो क्लॉकवाइज हो जाता है, कभी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है. तो अगर साइटोप्लाज्म क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज ही मूव करता रहेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करता रहेगा. तो ऐसी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को आप कहते हो ये रोटेशनल मूवमेंट है. वाइल सर्कुलर मूवमेंट या सर्कुलर साइक्लोसिस के केस में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनेली है और इस ऑर्गेनेलिस में इस तरह से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है और ये वाला जो ऑर्गेनेली है इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, अगेन ये वाला जो है इसमें क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे जितनी भी छोटे ऑर्गेनेलिस की सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है हर किसी की जो डायरेक्शन है वो वेरी कर रही है, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है. तो ऐसी मूवमेंट को आप कहते हो ये सर्कुलर है जिसमें साइटोप्लाज्म की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो डिफर कर सकती है. तो रोटेशनल एंड सर्कुलर जितने भी मूवमेंट्स हैं इनका पर्पज़ क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के सारे एरिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. और ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल होती है? बिकॉज जो साइटोसोल है ये एक्वस पार्ट होता है, ये सोलबल पार्ट होता है, ये फ्लूइड की फॉर्म में होता है तो इसकी मूवमेंट जो है पॉसिबल होती है. अगर ये सॉलिड की फॉर्म में होता तो ये मूव ना कर सकता. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है. आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. इसके बाद हमने जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर इम्बेड हुए होते हैं. ठीक है, तो उन्हें अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.